हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मनचाओ सूप। इसके लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, फिर हम उबले हुए नूडल्स में 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर उसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल गरम होने पर अपने नूडल्स को हम कढ़ाई में डालकर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे नूडल्स एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। हम 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 बड़े लहसुन लेकर उसको अच्छे से एक बर्तन में कूट लेंगे। फिर हम एक कढ़ाई में थोड़ा तेल लेकर उसमें इसको डाल देंगे। जब ये अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें अपने पसंद की सब्जियां लेकर एक एक करके डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ यूज किया है बंदा, गाजर और मशरूम। ध्यान रहे कि आपको अपनी सब्जियां एकदम बारीक काटनी है और उसे ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है ताकि वो क्रंची रहे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक और ग्रीन अनियन भी मिक्स कर देंगे। अब हम अपनी सब्जियों में 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच टमाटो सॉस और 1 चम्मच रेड चिली सॉस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी डाल देंगे। हम एक कटोरी में 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेकर उसको पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम अपने सूप में 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और ये कॉर्नफ्लोर का घोल डालकर मिक्स कर देंगे। जब आपके सूप में इस तरीके से उबाल आने लगे तो समझ लीजिए आपका सूप बनकर तैयार है। Thank you.
हम अपने सूप को फ्राई नूडल्स के साथ सर्व कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।